वेलकम टू द रिएक्शन शो जी। हाँ दोस्तों, आज के रिएक्शन शो में यानी आज के मूवी रिएक्शन शो में, मूवी के ट्रेलर रिएक्शन शो में हम देखने वाले हैं साउथ फिल्म भीमा का ट्रेलर। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और आपने देखा भी होगा, लेकिन हाँ, क्या कुछ खास इस फिल्म में देखने लायक जो कि हमने बाकी साउथ फिल्मों में नहीं देखा है? क्योंकि साउथ फिल्मों का जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है वो एक ही तरह का होता है, यानी आपने मैक्सिमम फिल्में देखी होगी उनका माइथोलॉजी से प्रेजेंट टाइम में कनेक्शन, और यही उनका मेन मोटिव है और यही उनका मेन मुद्दा है ताकि पब्लिक उनसे अटैच हो जाती है, और अटैच हो भी जाती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ फिल्म में क्षेत्रीय भाषा तो सीमित रहती है, अगर इस फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज किया जाएगा तो चल नहीं पाएगी। और आजकल 90% साउथ की फिल्में पैन इंडिया में रिलीज हो रही है, यही रीज़न है कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप और डिजास्टर होती है। हालांकि काफ़ी फिल्में आती है पैन इंडिया में, लास्ट मंथ ईगल आई थी रवि तेजा की, वही बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हो चुकी थी। फर्स्ट मंथ यानी गुंडर करम भी आई थी पैन इंडिया कहा जा रहा था, लेकिन वो पैन इंडिया फिल्म नहीं थी, उसने कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी। अब देखते हैं कि ये भीमा जो आ रही है फिल्म, क्या ये पैन इंडिया फिल्म हो सकती है फिर नहीं, तो आप फिल्म का ट्रेलर देख सकते हो यहाँ पे। साई आर्ट्स प्रेजेंट। कहा था ना, माइथोलॉजी को ये साउथ वाले, मतलब कि साउथ इंडस्ट्री आज के टाइम में कनेक्ट करने की कोशिश करती है कि किस तरह से वहाँ एक राक्षस था, आज के प्रेजेंट टाइम वो जिंदा हो गया है, उसको रोकने के लिए एक हीरो आएगा, उसका कुछ अवतार होगा, मतलब महाविष्णु के आठवें अवतार परशुराम, उनका परसा अनंत सागर में फेंक दिया गया, उसमें कुछ अद्भुत ताकतें थी। कुछ कुछ ये फिल्म का जो ट्रेलर है वो हनुमान फिल्म की याद दिलाता है, लेकिन इसमें सुपर विलन है और हनुमान में एक कॉमन विलन था जिसको टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। ब्रह्म राक्षस भीमा, गोपीचंद इसमें काफी अच्छे लग रहे हैं, और गोपीचंद की फिल्म पैन इंडिया रिलीज होती नहीं है, लेकिन जितनी फिल्में बनाते हैं वो काफी अच्छी बना रहे हैं। इनकी कुछ फिल्म बीच में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये फिल्म चल सकती है। फिल्म के एक्शन सीन्स, फिल्म के जो नाइट सोर्स है, कुछ मैजिकल पावर्स, एविल और गुड का फाइट, रवि का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है, और देख के लगता है कि इसमें गोपीचंद का डुअल रोल है, एक बाप और एक बेटा, जो कि साउथ की मैक्सिमम फिल्मों की कहानी होती है। मैजिकल पावर्स भी है इसमें, इंटरेस्टिंग। भीमा कौन है, भीमा क्या है, भीमा क्या है भीमा कहानी आपको फिल्म में ही मालूम चलेगा, क्योंकि ज़्यादा एलोबोरेट नहीं किया गया फिल्म के ट्रेलर को। रिलीज ऑन दिस महाशिवरात्रि, 8 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। दोस्तों ये तो साउथ फिल्म भीमा का ट्रेलर, फिल्म का ट्रेलर काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे तरीके से कट किया गया है, और ये फिल्म सिर्फ क्षेत्रीय लैंग्वेज रिलीज होगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ एक रीजनल सिनेमा को ही प्रेफर करती है। जैसे कि हनुमान आई थी, वो भी एक रीजनल सिनेमा थी, लेकिन उसको हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था, क्योंकि उसका बीएफएस काफ़ी अच्छा था। इसका बीएफएस काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि ये फिल्म आपको हिंदी में देखने मिलने वाली कि नहीं, क्योंकि फिल्म का जो ट्रेलर है काफ़ी अच्छा कट किया गया है। फिल्म को माइथोलॉजी से आज के कल्चर में कनेक्ट किया गया, और क्या है परशुराम जी की कहानी इसमें बताया गया। हालांकि इस कहानी से रियलिटी का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जिस पे ये फिल्म बनी है। तो क्या आप ये भीमा का इंतजार करने वाले हो? क्या आप भीमा को तेलुगु वर्जन में थिएटर में देखने वाले हो या फिर हिंदी वर्जन का वेट कर रहे हो? मैं फिल्म के ट्रेलर को दूंगा 5 में से 3 की रेटिंग। तो क्या आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है, कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ट्रेलर रिएक्शन वीडियो, जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए द ट्रेलर रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।